दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अक्सर सुना है आपने कि लोगों को नुकसान बहुत हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं स्टॉक मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं या हमेशा से इसको बदनाम कर देते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो पर्पस है वो ये है कि क्या वाकई स्टॉक मार्केट जुआ है। अगर स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो क्या किया जाए, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए आ रहे हैं एक बिगिनर की तरह से, या आपको कुछ समय हो गया पर स्टॉक मार्केट में सफलता नहीं मिल रही है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सर, ऐसे अहम 7 पॉइंट्स आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की जर्नी में आपको बहुत बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विपुल कौशिक और मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 20 साल से ट्रेडिंग, ट्रेनिंग और इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं। मेरा पूरा करियर स्टॉक मार्केट में है। स्टॉक मार्केट पे ही मैं डिपेंडेंट हूं। स्टॉक मार्केट ही जीता हूं, स्टॉक मार्केट ही खाता हूं, स्टॉक मार्केट ही पीता हूं। पिछले 5 सालों में 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। बट ये वीडियो बनाने के पीछे जो पर्पस है वो ये है कि आप प्लीज स्टॉक मार्केट में लॉसेस करना बंद कर दीजिए, इसको बदनाम करना बंद कीजिए। तो वो 7 महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो आपको एक अच्छा ट्रेडर या निवेशक, जी हाँ, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर बनने में आपकी मदद करेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी काम, सबसे पहले चाहिए आपको उसकी बेसिक नॉलेज। जी हाँ, जैसे कुछ वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है बेसिक टर्म्स को लेकर, और 10 वीडियो का सेट है जिसमें कुछ क्वेश्चन 100 के आसपास मैंने सवाल इकट्ठे किए आपके लिए, उनके आंसर मैंने किए हैं। जाके उस वीडियो को देखिए तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, कौन सी टर्म्स है, स्टॉक मार्केट की भाषा क्या होती है, कैसे उसको समझा जाए। भाषा को समझने के बाद में आपको ये जानना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट है क्या। ये जुए का अड्डा नहीं है गाइस, ये गैम्बलिंग नहीं है। यहाँ पे कंपनीज लिस्ट होती हैं, अपने आप को ग्रो कराने के लिए कैपिटल इकट्ठा करती हैं, आईपीओज लेके आती हैं, आपसे कैपिटल लेके जाती है, पैसा इकट्ठा करती है, फिर अपनी कंपनी में एक्सपेंशन के लिए पैसा लगाती हैं। अगर आप शेयर होल्डर हैं, आपने शेयर्स खरीदे हैं, तो आपको रिटर्न्स में डिविडेंड मिलते हैं, आपके शेयर्स ग्रो करते हैं, आप भी पैसा कमाते हैं, आप भी ग्रो करते हैं। ट्रेडिंग एक तरीका हो सकता है स्टॉक मार्केट में काम करने का, बट ट्रेडिंग के लिए ही स्टॉक मार्केट में आना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ना ही मैं इसकी फेवर में हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में पूरा टाइम देना जानते हैं, आपने अच्छे से स्टडी कर ली है, आपने अच्छे से उसकी नॉलेज ले ली है, चाहे फ्री में लें, चाहे किसी पेड कोर्सेज में जाके लें, चाहे खुद ही किताबें पढ़ें, चाहे गूगल से देखें, जहाँ मर्जी से आप ज्ञान लेना चाहे ज्ञान लीजिए। अगर आपने सही से ज्ञान ले लिया है और आपने उसकी टेस्टिंग वगैरह सही से कर ली है, तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। बट आपको शुरुआत एज ए निवेशक करनी चाहिए। ट्रेडर आपको जब बनना चाहिए जब आपको लगे कि हाँ, अब आपने इसको सही से समझ लिया है, आप इसके लिए पूरे तैयार हैं। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एडिक्वेट कैपिटल। जी हाँ, इसके ऊपर कोई नहीं कहेगा, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास 1,000 रुपए हैं, 500 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, तो भी आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं। बट एक बात बताइए, आप 10 रुपए से कोई शेयर खरीद के करेंगे क्या? कितनी रिटर्न्स आप कमा लेंगे 10 रुपए से? कितना उसको ट्रेड कर लेंगे, कितना उसको चर्न कर लेंगे, कितनी उसमें इन्वेस्टमेंट्स बना लेंगे? नहीं पॉसिबल है। आपके पास एक एडुकेट कैपिटल होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपने फॉर एग्जांपल 16,000 के भाव पे निफ्टी जब थी, उस समय अगर आपने कुछ शेयर्स में पैसा लगाया और आज बाजार गिर के मान लीजिए 14,000 आ जाता है, तो क्या आपके पास और पैसा है लगाने के लिए? क्या आपके पास बैकअप है? अगर आपके पास बैकअप है तो आप स्टॉक मार्केट से बेहद शानदार रिटर्न्स निकाल सकते हैं, आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं, अच्छी एवरेज कर सकते हैं। और जो कंपनी, फॉर एग्जांपल रिलायंस की हम बात करें, अगर 2,500 रुपए पर रिलायंस का शेयर अच्छा लगता है, अगर गिर के किसी वजह से 2,000 पे आ जाता है, तो वो और भी अच्छा है। अगर आपने कंपनी को स्टडी किया है, वो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी निवेश के लिए शानदार है, तो आप गिरते हुए भाव में भी उसमें अच्छी निवेश कर सकते हैं। बट अपनी पूरी स्टडी करने के बाद कि कब कहां एवरेज की जाए, ये एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग, प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट का एरिया आता है, तो आपको अच्छे से सही से उस डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा, तब ही आप उसमें काम कर सकते हैं। तो अच्छी खासी कैपिटल को आपको इकट्ठा करना हो, चाहे 50,000 हो, 1,00,000 रुपये, जो आपको लगता है आपकी पॉकेट अलाउ करती है, और जो आप एवरेज करने के लिए थोड़ी कैपिटल हमेशा एक्स्ट्रा इकट्ठा कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट की। कोई ब्याज देने की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक से लोन नहीं लेना, दोस्तों से पैसा उधार नहीं लेना, अपना पैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्विस करते हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज आपने आज लगाए हैं, तो बैकअप में कम से कम 20-25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये बैकअप में होने ही चाहिए। अगर वो है आपके पास में, तो आप स्टॉक मार्केट से बेहद शानदार रिटर्न निकाल सकते हैं, मैं प्रॉमिस कर सकता हूं। तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, अगर आप शुरुआत के दौर में हैं, अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी भी स्टॉक मार्केट में निवेश करना स्टार्ट किया है, आपने डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लिया है, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप यू से नो टू फ्यूचर एंड ऑप्शंस इन योर इनिशियल स्टेजेस। अगर आप शुरुआत के दौर में ही फ्यूचर ऑप्शंस के ट्रैप में फंस जाएंगे, क्योंकि वो एक हाईली स्किल्ड ट्रेडिंग का जोन आता है गाइस। फ्यूचर ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, लेवरेज को यूज करना आना चाहिए, ऑप्शंस को ट्रेड करना आना चाहिए,
लिए वो एक टेक्निकल है, मैथमेटिकल है, बहुत हाईली स्किल्ड ट्रेंड लोग ही उसे अच्छे से कर पाते हैं। पर अगर आप शुरुआत में हैं, आपने किसी को सुन लिया है कि एक दोस्त ने फलाने बैंक निफ्टी की ऑप्शंस खरीदी, 2 का 20 हुआ, 2 का 200 हुआ, होता है गाइस, पर 200 का 2 भी होता है, ये भी समझने की कोशिश की, ये भी एक सिक्के का पहलू है। तो आपको अपने इनिशियल स्टेजेस में लिवरेज को यूज़ नहीं करना है, फ्यूचर ऑप्शंस को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, कुछ समय बिताइए, इक्विटी को समझिए, क्योंकि इक्विटी से ही डिराइव्ड है फ्यूचर ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शन से इक्विटी डिराइव नहीं है, बट यस फ्यूचर एंड ऑप्शंस इज अ डेरिवेटिव, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इक्विटी, तो द बेस इज द मदर इज इक्विटी। अगर आप इक्विटी समझते हैं फ्यूचर ऑप्शंस में कमाल कर सकते हैं, तो इसलिए पहले ट्रेंड को समझिए, इक्विटी को समझिए, उसके बाद ही फ्यूचर ऑप्शंस में जंप कीजिएगा। चौथे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जी हाँ, प्रैक्टिस एंड बैक टेस्टिंग। जो भी स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं, जो भी स्टडी आप देखी है, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। आप नया बिजनेस खोलते हैं, पैसे लगाते हैं, कम से कम 2 साल तक आप उसमें रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं करते, बट स्टॉक मार्केट में जैसे ही आप पैसा लगाते हैं आपको लगता है कि पहले दिन से पैसा आना चाहिए, डेली अपना एमटीएम लॉस या प्रॉफिट देखना स्टार्ट कर देते हैं, डेली अपनी आप नेट पोजिशन को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। जी नहीं, जब आपने कोई चीज खरीदी है किसी स्ट्रेटजी के तौर पे या किसी एक स्टडी के तौर पे आपने उसको परचेज किया है, तो उसको बैक टेस्ट कीजिए कि आपकी स्टडी, जिस स्टडी पे आप काम करने वाले हैं, वो पहले पास्ट में कैसा रिजल्ट्स दे चुकी है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं बैक टेस्टिंग आपको अलाउ करती है, गो एंड स्टडी गूगल, आप उसको रिसर्च करने की कोशिश कीजिए, ट्रेडिंग व्यू में बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, charting.com पे बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी एल्गोरिथम बनाने वाली वेबसाइट्स हैं जहां अपनी स्टडी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो बैक टेस्ट कीजिए, अच्छा खासा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हैं 6 महीने की, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी शुरुआत आप करेंगे। किसी भी क्रिकेटर, फुटबॉलर या अच्छे स्पोर्ट्समैन की अगर बात की जाए, कोई भी फाइनल खेलने से पहले जब वो टीम इंडिया के लिए खेलता है या अपनी कंट्री के लिए खेलता है, पहले प्रैक्टिस करता है, पहले घर में खेलता है, स्ट्रीट में खेलता है, उसके बाद जाके वो अपने लोकल स्टेडियम्स में खेलता है। जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तब वो नजरों में आता है टीम इंडिया के लिए या टीम कंट्री के लिए खेलने के लिए, ठीक है। तो गाइस, अगर स्पोर्ट्स में वो डिसिप्लिन चाहिए, वहां पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो आप प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते? आखिर में ये पैसे का मामला है, यहां तो आपका पैसा लगा है जिसको आपने बड़ी मेहनत से कमाया है। तो गाइस, प्लीज फोकस ऑन प्रैक्टिस एंड बैक टेस्टिंग, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रियल प्रैक्टिस विद रियल मनी। गाइस, आपने पेपर ट्रेडिंग तो बहुत कर ली होगी, जब तक आप अपना खुद का पैसा, थोड़ा सा पैसा, फॉर एग्जांपल अगर आप बाजार में 1,00,000 रुपए लगाना चाहते हैं, तो कम से कम अपनी प्रैक्टिस को 5,000-10,000 से जरूर कीजिए। आप 100 शेयर्स मत खरीदिए, 2 शेयर खरीदिए, 10 खरीदिए, कम से कम एक डिसिप्लिन से ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। उससे क्या हुआ, उससे आपके इमोशंस आपकी ट्रेडिंग के साथ जुड़ेंगे, आपको सही में समझ में आएगा कि ट्रेड लेने के बाद दिल की धड़कन कैसी होती है, आपका दिल आपके काबू में है कि नहीं, आपके इमोशंस आपके काबू में है कि नहीं, क्या आप भी फियर और ग्रीड के चक्कर में फंस तो नहीं रहे हैं। तो फियर और ग्रीड 2 ऐसे इमोशंस हैं जो पूरी स्टॉक मार्केट को ड्राइव करते हैं, वही आपकी पूरी लाइफ को ड्राइव करने वाले हैं। तो गाइज, आप रियल मनी से प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े से शुरुआत कीजिए, पर कम से कम अपने पैसे से रियल प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे हिसाब से मजा आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि क्रिकेट को अगर आप मोबाइल फोन पे खेलते हैं तो आप चौके छक्के लगाते हैं, बड़ा मजा आता है, बट असल में जिस दिन आप पैड बांध के बैट पकड़ के पिच पे उतरते हैं, तब समझ में आता है कि बॉल की स्पीड किसे कहते हैं, बॉल की स्विंग कैसे कहते हैं, इनकमिंग कैसे कहते हैं, आउटगोइंग कैसे कहते हैं। गाइस, तो इसीलिए अगर आप सही में समझना चाहते हैं स्टॉक मार्केट कैसे ट्रेड करें, कैसे करें, पेपर ट्रेडिंग तो बहुत कर ली, स्ट्रेटजीज को बहुत टेस्ट कर लिया, अपने पैसे लेके आइए, थोड़े से पैसे से शुरुआत कीजिए, वो देखिए क्या कमाल होता है। छठा सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, नो टिप्स एंड एडवाइजरी, किसी की टिप्स को नहीं लेना। जब तक आप इस लायक नहीं हो जाएं किसी की दी हुई टिप को फिल्टर कर सकें, किसी की दी हुई टिप को जब तक आप एनालिसिस ना कर सकें, एनालाइज ना कर पाएं, जब तक आप बिल्कुल भी किसी की टिप एडवाइजरी को फॉलो नहीं करेंगे। और गाइस, टिप एडवाइजरी लेने में बुराई नहीं है, लीजिए, बट जब लीजिए जब आप उसकी टिप को एनालिसिस करना जानते हो। किसी ने क्या कहा, फलाना शेयर ले लीजिए, जब तक आपको ये ना मालूम हो कि उसने सही कहा है कि गलत कहा है, आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना, आपको उसके ऊपर ट्रेड नहीं करना। टिप लेना गलत नहीं है, पर टिप को जब तक खंगाल नहीं लेते हैं, टेस्ट नहीं कर लेते, पता नहीं कर लेते कि वो टिप वाकई उस लायक है भी कि नहीं, तब तक आप ट्रेड मत कीजिए। प्लीज़ से नो टू टिप एंड एडवाइजरी। और मैं नहीं चाहता टिप एडवाइजरी के चक्कर में पड़ के आप लाखों करोड़ों रुपये बर्बाद करें। बहुत सारे लोगों ने पास में लाखों रुपये के नुकसान झेले हैं टिप एडवाइजर्स के चक्कर में, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, लोगों को बहुत पसंद आई थी, उसका लिंक भी आपको आई बटन में आ रहा होगा और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा टिप एडवाइजर आपको किस तरह से पागल बनाते हैं। तो उनके चक्कर में ना पड़े, खुद की स्टडी पे ध्यान लगाइए, स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी बुरी नहीं है। 7वीं वजह, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मनी मैनेजमेंट। जी हाँ, मनी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों को क्या लगता है, लोगों के अंदर एक फोमो नाम की चीज होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जिस दिन आप उस फियर ऑफ मिसिंग आउट को कंट्रोल कर लेंगे कि लगता है कि मुझे आज ही खरीद लेना चाहिए, नहीं तो मेरे हाथ से ये मौका छूट जाएगा, दोस्तों बस
और स्टॉक मार्केट के मौके कभी नहीं छूटते। जैसे बस स्टेशन पे एक बस आती है, दूसरी चली जाती है, फिर तीसरी की वेट करते हैं, फिर से आती है कुछ देर के बाद, फिर चली जाती है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में कभी भी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से नहीं जाएंगी, कोई भी शेयर आपके हाथ से नहीं छूटेगा। अगर एक शेयर छूट भी गया तो उस सेक्टर का दूसरा शेयर आपको मिल सकता है, बट बशर्ते आपको पेशेंस दिखाना होगा, आपको वेट करनी होगी, आपको फोमो से बाहर आना होगा। देयर इज नो फियर ऑफ मिसिंग आउट गाइस, प्लीज कंट्रोल योर फोमो। और जब आप मनी मैनेजमेंट करने लगते हैं तो आपको पता है कि मुझे 100 रुपीज को निवेश करना है या सपोज 10,000 रुपए निवेश करने हैं, तो उसमें से कितने परसेंट मुझे आज लगाने हैं, कितने परसेंट मुझे एवरेज करने के लिए रखना है, कितना परसेंट मुझे ट्रेडिंग के लिए लगाना है, कितना परसेंट को मुझे निवेश लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, कितने परसेंट पैसा मुझे कैश रखना है। तो मनी मैनेजमेंट जिस दिन आप करना सीख जाएंगे, उस दिन आपकी फियर और ग्रीड कंट्रोल में आ जाएगी, उस दिन आप एक अच्छे निवेशक, एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके काम आएगी, आपको स्टॉक मार्केट में एक अच्छा निवेशक और एक ट्रेडर बनने में आपको हेल्प करेगी। और अगर आप चाहते हैं ये जानकारी आप ही की तरह आप ही के दोस्तों में, आपकी फैमिलीज को, आपके फ्रेंड्स को भी जरूरत हो, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूले, ताकि मैं और आप लगातार मिलते रहें और ये रिलेशनशिप ऐसे ही बनी रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद।